पटवारी परीक्षा में धांधली के आरोप के चलते नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसके कारण चयनित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नियुक्ति दो। आगे बढ़ने से पहले देखिए चयनित विद्यार्थियों ने क्या कहा। नमस्कार सर, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है। आप कहाँ से आए हैं आज? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से आया, आपने किस कौन सा अटेम्प्ट आपका इस बार? मैं पिछले 8 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, ये तो अपना 20वां अटेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट जॉब के काफी एग्जाम दिए मैंने और काफी मेरे नंबर भी आते थे, लेकिन कभी एक नंबर, कभी दो नंबर, कभी मेरिट आउट, लेकिन इस बार मेरा चयन हुआ है पटवारी परीक्षा। जी, आपने एग्जाम कहाँ से दिया था? मैंने भोपाल से ही दिया था। भोपाल से? सेंटर क्या था भोपाल में आपका? सुरभि कॉलेज था। सुरभि कॉलेज सेंटर था आपका, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या रहा सर? मैम मेरी मेरिट में 9 आई है, मेरे को सिवनी जिला मिला है पटवारी। ऐसा, पटवारी आपको सिवनी जिला मिला है। तो जो खबरें आ रही हैं कि ग्वालियर के एक कॉलेज में घोटालेबाजी का आरोप लगा है एग्जाम में, तो उस पर आपके क्या राय है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आज पूजा रावत, जिसके 177 नंबर आए हैं, उसने इंटरव्यू दिया है सभी को, सबके सामने आई है मैम। उस लड़की ने भी, कितनी गरीब है, उसके माँ बाप भी आए थे आज, उसके 177 नंबर, उसकी 5वीं रैंक है मैम। चयनित विद्यार्थियों ने प्रदर्शन के जरिए शासन तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों का कहना है कि NRI कॉलेज में लगे आरोप की जाँच चलती रहे, लेकिन बाकी लोगों की भर्ती ना रोकी जाए। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? जी, आप आज यहाँ कहाँ से आई हैं? मैं भोपाल से। आप भोपाल से आई हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार पटवारी एग्जाम में? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट था 2017 में, तो उसके बाद से अब वैकेंसी अब निकली। अब वैकेंसी निकली, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या रहा है? मेरा रिजल्ट 121 मार्क्स थे, मेरा एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ जी। तो मुझे ढाल दे गई थी। आप बतौर पटवारी नियुक्त की गई है? पटवारी प्रधान। और आपको एग्जाम का स्तर कैसा लगा था? एग्जाम का स्तर थोड़ा मेरे को मतलब मॉडरेट टू इजी कह सकते, थोड़ा टफ भी था पेपर, क्योंकि मेरा 17 अप्रैल को मेरा एग्जाम था, तो धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, आप जो यहाँ पे इकट्ठा हुए इतने सारे लोग आज, जो इसका क्या वजह है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हमें नियुक्ति दी जाए जल्दी। नियुक्ति दी जाए, नियुक्ति पर रोक लगा दी गई जी। बच्चों की जो मेहनत आप समझ सकते हैं, मैं 2017 में भरा था और अब मैं एग्जाम दे रही हूँ, उसके बाद मेरा जो रिजल्ट। बताया जा रहा है कि आज बहुत सारे बच्चे जो है जिनका चयन हुआ है, वो अपना मेन्स का एग्जाम, MBBS मेन्स का एग्जाम छोड़ के आए हैं, तो आपको क्या लगता है, आप जो ये जो हुआ आज, क्या सरकार या जो प्रशासन है वो आपकी बात सुनेगी? क्या संदेश आप दे? लगता है कि हमारी सरकार बात सुनेगी। तो जैसा कि आपने देखा, चयनित विद्यार्थियों को ये पूरा भरोसा है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और प्रशासन भी उनका साथ देगा। पटवारी केस में आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।